दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। ये सबसे टॉप और लेटेस्ट मॉडल है जो कि काफ़ी कुछ ये अपग्रेड के मामले में जाना जा रहा है। बता दूं ये सारी चीज़ें आपको एक जो प्रो या फिर 20 में नहीं मिला है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और सारी कमियां इसके बाहर कर देगी। तो बता दूं आपको कि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में 6.78 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है और इसमें 1080 समथिंग पिक्सल का रिजोल्यूशन है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्मार्टफोन में एंट्री लेवल का अक्टा कोर प्रोसेसर दे रखे हैं जो कि डाटा स्टोर करने के लिए 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकते हैं। यूजर्स को फोन में डुअल रियर कैमरा का सेटअप है जो कि AI लेंस के साथ 50 MP का प्राइमरी कैमरा और वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 MP का फ्रंट कैमरा दे रहा है। बैटरी के मामले में बात करें तो बैकअप के लिए इसको 5000 mAh की बैटरी के साथ और 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन किसी और रिपोर्ट के हिसाब से 18W का सिर्फ चार्ज है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कहीं कुछ जिक्र नहीं है। कनेक्टिविटी और अदर फीचर्स की जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, WFM, OTG शामिल है। इसके साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और डायनेमिक पोर्ट, डुअल स्पीकर जैसे फीचर्स दे रखे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि टेक्नो स्पार्क 20C जैसे फीचर्स थोड़े से हैं, लेकिन डिस्प्ले हैं और इसके जो प्रोसेसर हैं थोड़ा सा अलग कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं जो ब्लूटूथ IC SIG लिस्टिंग के हिसाब से, इसमें बताया जा रहा है कि KG7 मॉडल नंबर के साथ देखा गया है लिस्टिंग के सामने। नया डिवाइस ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ, और यहाँ पर आपको बता दूँ जो इसके सामने मौजूद है, इसके अलावा और कोई स्पेसिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी ब्रांड के सबसे पहले स्पार्क सीरीज केवल प्रो मॉडल ही उतारा गया था, लेकिन प्रो प्लस आने की काफ़ी उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में क्या कुछ इसमें मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक के लिए, वीडियो को पसंद आ जाए प्लीज लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए